सर दिस टाइम पे ये पैटर्न चल रहा हो, हमें पता चल रहा है कि हमारे माइंड में ये बात, मतलब जो भी आ रहा है, चाहे हम टीवी देखते हैं वो आ रहा है, वो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो उस टाइम पे अनुभव, मतलब क्या उस टाइम पे क्या अनुभव, कैसे उसको हटाएं, मतलब देखो, समझ में आया सर, सॉरी, आप उस टाइम पे कोई क्या अनुभव। नहीं, उस समय पे बहुत सारी चीज़, जब जैसे कोई मूवी देख रहे हो तो अब मूवी देखते समय पैटर्न कैसे हटाओगे? मूवी देखते समय तो आप नहीं सर, मूवी जैसे में देख इन्वॉल्व। ली उसके बाद वो पैटर्न चलता है ना सर, जैसे कुछ भी नहीं, मतलब मूवी मैंने वो दिया, चाहे मतलब हमारे साथ कुछ भी हो रहा हो लाइफ में, तो वो एक बातें चलती रहती हैं, वो एक बार होंगी लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस वही बात रिपीट हो जाएगी, फिर तीसरी देखो, बार वापस रिपीट हो रुक जाती जाओ, है। जो ये इस रेपिटेशन टाइम है, कैसे सही होगा। रेपिटेशन है, इसी को पैटर्न कहते हैं। इसी रेपिटेशन को ब्रेक करने के लिए आप अपने एक प्रोग्राम फॉलो करते हैं कि एक प्रोग्राम फॉलो कर लिया, उसमें अनुभव की डीपर हो गई आपकी, फिर वो डीपर अनुभव आप दिन भर ले चलते हो, हर एक एक्टिविटी में उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हो, तभी तो पैटर्न ख़त्म होते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना है कि 11 मिनट का प्राणायाम कर लिया तो पैटर्न ख़त्म हो गया। लेकिन स्टार्ट तो कहीं करोगे ही ना बेटा। स्टार्ट आपने किया मॉर्निंग का प्रोग्राम, रात में किया, अब ये 4-6 महीने में धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, अब आप जान रहे हो कि ये ऐसे ऐसे होता है, कब पैटर्न हमें ब्रेक करना है, कैसे करना है, इमिडिएटली कर देते हो। इवन कि बाद में ये पैटर्न आते ही नहीं, रेपिटेशन होता ही नहीं। मैंने अगर खाना खाया तो दूसरे दिन मेरी मेमोरी में कोई पैटर्न नहीं आता, वही आ गया। मान लो वही खाना खा रहा हूँ लेकिन अनुभव बदल रहा है मेरा। जैसे पैटर्न का मतलब रेपिटेशन, जैसे कोई आप भोजन कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं कहूँ कि आपके अंदर जो एक पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को ख़त्म करने के लिए एक दूसरा पैटर्न यूज़ कर लो, एक मंत्र लो, राधे राधे करो, और उससे वो पुराना पैटर्न ख़त्म हो जाएगा। यदि मेरा एक्सपीरियंस लो तो वो भी एक पैटर्न है, बस आपने एक राधे वर्ड यूज़ कर लिया, वो भी पैटर्न बना रहे हो। पर अगर इस पैटर्न को तोड़ना चाहते हो तो कैसे तोड़ोगे? पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको किसी भी वस्तु को जो अनुभव कर रहे हो, किसी भी वस्तु को जो उपयोग कर रहे हो, उसको ज़्यादा अनुभव करना पड़ेगा। आपने आज खाना खाया, दाल चावल सब्जी, कल वही सेम खाना खाया, लेकिन आपका चूंकि पैटर्न वही है तो वही सेम अनुभव करोगे जो कल खाया था, जबकि आज खाना डिफरेंट है। आज का खाना ह्यूमन ने ही बनाया है, तो आज का खाना जो बना है कल से वो डिफरेंट है। सब्जी सेम नहीं हो सकती, सब्जी का टेस्ट थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो जब आप डीपर लेवल पे अनुभव करने लगोगे तो पैटर्न तो ब्रेक हो गया ना कल वाले का आज से। सब्जी सेम आई, सेम सब्जी सब्जी है, दोनों है, लेकिन जब आप अनुभव करने लगते हो तो अनुभव का पैटर्न नहीं होता। अनुभव में हर एक दिन आप चेंज करते हो क्योंकि डीपर हो जाता है। किसी दिन आपको लगा कि इसमें नमक कम है, किसी दिन लगा आपको कि नहीं इसमें थोड़ा लहसुन ज़्यादा है, अब आपका अनुभव तो बदल गया ना। तो अनुभव कभी भी किसी भी एडिक्शन में नहीं डालता, कभी भी नहीं डाल सकता। तो इसलिए योगी कहते हैं, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, एक ऐसा अनुभव करो जो कि न्यूट्रल हो। मान लो अपनी बॉडी का अनुभव करने लगे, अब इसमें पॉजिटिविटी, टेस्ट, कलर कोई थोड़ी दिखता है। आपको मैंने कहा मसल्स को रिलैक्सेशन करो, मसल्स रिलैक्स कर रहे हो, अब मसल्स रिलैक्सेशन में न तो मसल्स दिख रही है आँखों से, न मसल्स का टेस्ट दिख रहा है, न मसल्स का कलर दिख रहा है, कुछ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप रिलैक्स हो रहे हो। ये जो अनुभव है वो फीड हो गया आपकी मेमोरी में। अब ये अनुभव जब आप बढ़ाने लगते हो तो कुछ दिनों के बाद यही ज़्यादा होता है और चीज़ें नहीं हो पाती। तो न्यूट्रल फीलिंग जिसको कहते हैं, जिसमें न सुख है न दुख है। योगी कहते हैं, महर्षि पातंजलि, कि सुख और दुख के पैटर्न को ख़त्म करने के लिए एक न्यूट्रल पैटर्न बनाना पड़ता है, जिसको अनुभव है। इसी से वृत्तियों का निरोध होता है और किसी भी चीज़ से नहीं। समझ गए? अब सर इससे रिलेटेड है कि जैसे बोला अभी कि ये पैटर्न बन जाता है, फॉर एग्जांपल आपने खाने का बताया कि खाने को स्वाद में कन्वर्ट कर दो, अनुभव में कन्वर्ट कर दो, ठीक है हो गया, बट एक सर्टेन टाइम के बाद ऑल ऑफ सडन कुछ होता है और वो पैटर्न फिर रिपीट हो जाता है। हाँ, वो शुरुआती दौर में होगा, बाद में थोड़ी ना होगा।
थोड़े दिनों की प्रैक्टिस या थोड़े महीनों के या वर्षों के बाद वो पैटर्न वापस नहीं आता जो आप कह रहे हो। Yes. साल 6 महीने के बाद तो फिर तो ये तो बहुत इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हो भाई, मतलब महीने 2 महीने की वाली बात कर रहे हो। साल 6 महीने के बाद जब आप बहुत डीपर में चले जाओगे तो ये सब कुछ आएगा ही नहीं कि वापस आएगा, वो कुछ नहीं आएगा, वो भूल जाओगे। जैसे मेडिटेशन में यहाँ पे सभी लोग, आज बड़ा अच्छा मेडिटेशन हुआ, अब जब कल आया तो आप सोचेंगे कि कल वाला ही आज घट जाए, तो कल वाला, जैसे हम लोग नहीं कहते कि यार वो 10 दिनों के पहले जो मेडिटेशन हुआ था वो वन ऑफ द बेस्ट था, अब उसी को बार बार रिपीट किया जाए। लेकिन जब आपकी मास्टरी हो जाती है तो आप आज जो अनुभव कर रहे हैं आज आपको परफेक्ट दिखेगा, कल जो करोगे कल वो पुराना वाला भूल जाओगे अनुभव, कल वाले में आप इन्वॉल्व हो जाओगे और उसमें नया एक्सपेरिमेंटेशन करोगे। तो जितना आप पुराने पैटर्न को लेके चलते हो तो आप एक जंजाल फैला के चलते हो। तो इसीलिए नहीं कहते कि अनुभव का एक जाल फैल गया, जैसे नहीं रसगुल्ले का भी तो अनुभव होता है ना बेटा, रसगुल्ले का अनुभव है अब आपको रोज़ रसगुल्ला याद आ रहा है, ऑफिस से आए तो समोसा भी याद आ रहा है, अब समोसा याद आ रहा है तो समोसे की दुकान भी याद आएगी, समोसे की दुकान याद आएगी तो और चीज़ें याद आएंगी, तब तक तो लार निकलने लगा, अनुभव तो है, अनुभव से वस्तु पकड़ लिया। जबकि ये जो मसल्स वाला अनुभव है, जो सांस वाला अनुभव, इससे कोई वस्तु जनरेट कैसे करोगे मुझे बताओ? आपने इसमें एडिक्शन नहीं ना, क्योंकि इससे आप वस्तु की कल्पना तो कर नहीं सकते ना बेटा। भाई मसल्स की अगर आप इमेजिनेशन करने लगे तो वो एक भक्ति वाला पार्ट आ गया कि भैया हर एक चीज़ में इमेजिनेशन जोड़ रहा है, अब सांस में भी इमेजिनेशन जोड़ दिया, राइट? अब ब्रेन के अंदर भी इमेजिनेशन जोड़ देते हैं कुछ लोग मेडिटेशन कराते समय, कैसे जी? अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है मध्य में, वो भगवान कृष्ण का स्थान है, वो वाइट कलर का है, तो वो कोई बीज है तो उसमें ये है, अब है तो वो विजुअल आप इमेजिनेशन कर रहे हो ना, पर आप किसी भी चीज़ को अनुभव करोगे अगर उसमें वस्तु या इमेजेस डेवलप करने लगे तो आपका पैटर्न डिफरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव में चला जाएगा। लेकिन वस्तु का कोई अनुभव कर रहे हो और बहुत डीपर में जा रहे हो तो आपका इमेज नहीं बनेगा, इमेज छूट जाएगा जी। इवन कि भोजन का, भोजन के टेस्ट में एक दिन आप इन्वॉल्व बहुत हो जाओ, आपकी आंख बंद हो जाएगी। मैं अपने को देखता हूँ, मैंने पिता को अपने देखा हुआ है, उनकी आँख पूरी तरह से बंद हो जाती थी, इवन कि खाने के दौरान 90% वो बंद किए रहते थे, क्योंकि आपके स्वाद से मतलब है, स्वाद में बहुत डीपर होने पर बहुत ज्यादा इमेज बिल्डिंग नहीं होती, हो ही नहीं सकती। स्वाद की हम बात कर रहे हैं, प्रमाण जैसे हो गया ना, आप जो इसमें 5 वृत्तियां थी तो एक उसमें विकल्प था, एक प्रमाण था, तो स्वाद आप एक्चुअली अनुभव कर रहे हैं, आपके स्वाद जैसे आपने कहा टेस्ट ग्लैंड्स मिले इसलिए है, तो वो जो प्रमाण है वो अब जैसे इसके अंदर हम उसको शायद इसको क्लिष्ट कहेंगे कि क्लिष्ट कहेंगे या अक्लिष्ट कहेंगे मुझे नहीं पता, कि वो जो स्वाद हम ले रहे हैं हाँ। उसको कैसा हम बोलेंगे, और वो फिर ठीक है क्या? मतलब अगर हम किसी साधक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस स्वाद में इतना इन्वॉल्व होना भी ठीक है? रुक जाओ, बताते हैं। जब आप किसी भी चीज में इतना इन्वॉल्व, आप डूब नहीं रहे हो, एक चीज ध्यान दो, आप स्वाद में डूब नहीं रहे हो, आप अपनी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं कर रहे हो, आप स्वाद ले रहे हो। जब आप स्वाद बहुत डीपर वे में ले रहे होते हो तो आपकी नॉलेज वहाँ बढ़ती है, आप गायब नहीं होते, नॉलेज बढ़ती है। जब एक्सपीरियंस करने लगते हो तो नॉलेज बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ते समय आपकी इमेजेस ख़त्म हो जाते हैं, आपका कंट्रोल बढ़ जाता है, आपको बांधता नहीं वो। हाँ, अगर आप जैसे एक छोटा बच्चा है जो टेस्ट लेता है वो बंध जाएगा, क्यों बंधेगा? क्यों? क्योंकि वो खाना खा रहा है, उसके दिमाग में इमेजेस है, उसके दिमाग में ये है कि बगल मेरी माँ क्या खा रही है, मेरी बहन क्या खा रही है, उसका भी थोड़ा ले लें, अभी वो पूरा फोकस नहीं है खाने पर, वो हड़बड़ी में खा रहा है। अब उसको ये लगा कि उसके भोजन को कोई ज़्यादा न ले ले तो वो जल्दी खाने लगा, जल्दी निपटाने लगा, उसे जल्दी जल्दी खा रहा है, उसमें पेशेंस नहीं है। जब आप मैच्योर हो जाते हो तो आप जब टेस्ट ले रहे होते हो प्रत्यक्ष रूप से, जिसको कहते हैं प्रमाण में प्रत्यक्ष अनुमान शब्द आते हैं, मैं तो प्रत्यक्ष और अनुमान मानता हूँ, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है।
शब्द ये है कि भाई गुरु ने कोई बात कह दिया। तो जब आप किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे होते हो तो आप डायरेक्ट उससे कांटेक्ट में होते हो, इमेजेस के थ्रू नहीं। जब आप प्रत्यक्ष रूप से खाने को देखा आपने, उसको टेस्ट लिया, तो आपकी अल्टीमेटली नॉलेज बढ़ी। जब आपकी नॉलेज बढ़ती हो तभी उसको त्याग सकते हो, अदरवाइज उसे छोड़ नहीं सकते। हमेशा अट्रैक्शन बना रहेगा उससे, हमेशा अट्रैक्शन बना रहेगा। जैसे ही उसका कंप्लीट टेस्ट लोगे आपका अट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दूसरे दिन नहीं भी मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करके देख लो। अगर दूसरे दिन नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो, इसलिए। हाँ ये प्रिंसिपल वहां भी अप्लाई होगा जिनको एडिक्शन होता है। बिल्कुल। लेकिन अब जैसे मान लो किसी को तीखे की एडिक्शन हो गई, मिर्चे खाने की, सपोज मिर्चा जी बहुत खाता है वो। अब मिर्चा खा रहा है तो मिर्चा अकेले तो खाएगा नहीं ना मिर्ची। मान लो उसको कह दो कि बेटा ऐसा है कि ये 3-4 मिर्ची ले लो और भोजन के साथ मत, सेपरेट अनुभव करो, सेपरेटली खाओ। मैंने खिलाया हुआ अपनी चाची को जब मैं छोटा था और खा नहीं पाई। तो आप एक्चुअली में मिर्ची का फुल टेस्ट नहीं ले रहे हो, आप उसे क्या कहते हैं कि खाने में 52 तरीके का बना दो, टेस्ट डेवलप करो और ओरिजिनल खाने का टेस्ट नहीं निकालो। आलू की सब्जी बनाया और इतना मसाला आपने डाला कि आलू उसमें नज़र ही नहीं आ रही, मसाले का टेस्ट खा रहे हो आप। तो आपने फेक फेक चीज़ डाल दी है। अगर आप ओरिजिनल टेस्ट ले लो खाने की तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एडिक्शन नहीं हो सकती। सर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं सर, हैं? एक छोटा सा शॉर्ट में सर, मेडिटेशन मतलब क्या? क्योंकि मेडिटेशन में मतलब हमारा मन तो बोलता ही रहता है, बोलना मतलब सोचना जो भी, तो वो ज्यादा देर तो रुक नहीं सकता है, तो फिर आधा 1 घंटा बैठ के मतलब सर ये क्या होता है सर मेडिटेशन? आधा 1 घंटा कोई कैसे रुक सकता है? वो तो बोलेगा माइंड, अगर वो बोलता ही रहेगा तो फिर मेडिटेशन क्या हुआ? नहीं तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि चित्त की वृत्ति का निरोध, यही तो सिखाया जा रहा है ना कि जब आपका चित्त की वृत्ति निरोध हो जाएगी, रुक जाएगी, आप अपने आप को अनुभव करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली थिंकिंग प्रोसेस बंद हो जाएगी। तभी तो थिंकिंग प्रोसेस बंद होगी ना, ये डिस्कशन से थोड़ी ना होगा, वो तो आपको अनुभव करना पड़ेगा ना। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन हाँ सर, आपने बताया कि 20 दिन बाद पैटर्न आता है और वो आता भी है पलट के बहुत हाँ जोर से, पलट के बहुत भयंकर आता है। हाँ और तो उसको कैसे कंट्रोल करें? उसको आप अनुभव से मारोगे। जितना आप अपने आप को अनुभव कर लोगे, जितना आप अपने सिस्टम को अनुभव कर लोगे, वो ब्रेक हो जाएगा। असल में 10-15 दिनों में आप यूज्ड टू होने लगते हो। किसी भी काम को जब करते हो तो आप, जब थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज आती है तो माइंड बहुत यूज्ड हो जाता है, माइंड बहुत नॉर्मल वे में देखने लगता है उसे। जैसे ही उसे नॉर्मल वे में देखा उसने, पैटर्न वापस आ गए पुराने वाले, तो फिर उसको झटका देना पड़ता है, दूसरा पैटर्न देना पड़ता है। तो माइंड उसमें इन्वॉल्व होता है दूसरे पैटर्न में। जैसे नहीं, आपको एक नॉर्मल आदमी है वो रोज़ खाना बदलता है क्योंकि रोज़ खाना सेम खा खा करके ऊब गया है वो, तो उसने खाना बदल दिया। मुझे खाना बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे खाने बदलने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों? अभी इसमें वाइटमिन वाइटमिन का चक्कर हटा देना। मुझे खाने की इसलिए नहीं ज़रूरत पड़ती क्योंकि मैं रोज़ डिफरेंट अनुभव करता हूँ। खाना सेम होता है, मान लो सैंडविच है, तो दूसरे दिन जब खाऊंगा तो उसमें और टेस्ट मिलूंगा, कुछ और चीज़ें, ऑब्वियसली चीज़ें बदल जाती हैं, हो सकता है चीज़ ज़्यादा डल गया हो, तो डिफरेंट अनुभव होता है। फिर तीसरे दिन डिफरेंट अनुभव हो गया, तो मेरे अनुभव तो बदल रहे हैं ना, तो पैटर्न कहाँ से आएगा? अगर सेम टू सेम हम करेंगे, अगर आप अनुभव में अपग्रेडेशन नहीं ला पा रहे हो तो आप वस्तु बदल दो। अगर आप अनुभव में अपग्रेडेशन ला रहे हो तो आपको वस्तु बदलने की ज़रूरत नहीं। आप सेम कपड़ा रोज़ पहने हैं, आपको कोई गलत नहीं दिख रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं है। आपके बाल इधर उधर हैं, कोई फ़र्क ही नहीं है आपको क्योंकि आप एंजॉय कर रहे हो। लेकिन आपका अनुभव बढ़ना चाहिए। अनुभव अगर बढ़ रहा है, डीपर हो रहा है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन और बेटर हो रही है, तो फिर ऑटोमेटिकली बाहर की चीज़ें रुक जाएंगी। भाई वो पैटर्न थोड़ी ना अटैक करेगा, पैटर्न की हिम्मत ही नहीं होती क्योंकि माइंड एक है। अगर माइंड बहुत डीपर लेवल पे अनुभव करने लगा तो कभी भी माइंड उसको छोड़ के दूसरी चीज़ नहीं पकड़ता। जैसे आप मूवी हॉल में बैठे हो और कोई इमोशनल सीन चल रहा हो, आप उसमें एक्टर भी बन जाते हो, आप ही तो फील करने लगते हो। अब आप मूवी का एक पार्ट बन गए, उस स्क्रिप्ट का एक पार्ट बन गए,
ये जरूर है कि कभी कभी थोड़ा थॉट आ जाएगा कि घर में क्या हो रहा है, घर का ताला बंद है, लेकिन थॉट वो भूल जाओगे इवन कि 0.1 सेकंड में, क्योंकि आप इन्वॉल्व हो गए हो उस स्क्रिप्ट में, आप एक पार्ट हो गए हो। जब आप एक स्क्रिप्ट के पार्ट बन जाते हो तो आपके माइंड में कोई दूसरी चीज़ नहीं जनरेट कर सकती, मतलब बाहर से तो आता नहीं ना, माइंड खुद ही जनरेट करता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि बाहर से घर वाला विचार आया, आपका माइंड ही घर वाला विचार लाया मूवी के समय, मूवी देख रहे थे। तो जब आपका माइंड अनुभव करने लगेगा तो माइंड दूसरा विचार कैसे प्रोड्यूस करेगा, बताओ ना मुझे। अगर आपको भयंकर तीखी मिर्ची यहाँ पे जीभ पे रख दिया जाए तो माइंड आपका कैसे कोई दूसरी चीज़ सोचेगा, रसगुल्ले के बारे में कैसे सोचेगा, क्योंकि वो तीखे से ही परेशान हो रहा है। तो ये कहना सही है कि जो ये नॉर्मल हम कर देते हैं उसको 15-20 दिन में, इसका मतलब मैकेनिकल कर दिया। मैकेनिकल कर दिया, अगर आपका एक्सपीरियंस उसी में बढ़ जाता है तो मैकेनिकल ना होता, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसी को 4-6 महीना या साल भर के बाद जब इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं तो हम मैकेनिकल नहीं करेंगे। जैसे ही मैकेनिकल होने लगेगा, जैसे ही माइंड इधर उधर पैटर्न पे आने लगेगा, तो फिर हम वापस ज़्यादा डीपर उसी को हो जाएंगे और अपने पैटर्न को तोड़ देंगे, पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? जब आप अनुभव को डीपर करते हो तो कैसे कैसे पैटर्न बदलते हैं वो बता सकते हैं। वो हर हफ्ते डिस्कशन होता है हमारा, इनका स्पिरिचुअल डिस्कशन तो बहुत अच्छा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है बेसिकली कि पैटर्न को तोड़ने के लिए, पैटर्न का मतलब मैकेनिकल हो गए ना, सिंपल यूज्ड टू हो रहे हो और वही सेम पैटर्न वापस आ रहा है, तो आप उसको ब्रेक करने के लिए सिंपल है, अपनी डीपर एक्सपीरियंस का लेवल बढ़ा दो। आसन, योग आसन में 99.9% आप देखो सब मैकेनिकल है, एक आसन कर रहे हैं, लगे हैं उसी पे। मैं एक आसन के, आप लोग तो जानते होंगे, कम से कम 50 वेरिएशन, मतलब मैं तो 100-150 वेरिएशन करता हूँ, आपको 10-20 वेरिएशन ही पता होगा। एक ही आसन के वेरिएशन एक एक इंच कर दूंगा तो आपको जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा एक ही आसन में। लेकिन एक आदमी को पता ही नहीं कि वेरिएशन कैसे किया जाता है, एक आदमी को यह पता ही नहीं कि टेस्ट ग्लैंड डिफरेंट डिफरेंट हैं, वो एक ही टेस्ट को डोमिनेंट किया हुआ है, मीठे को, खट्टे को नहीं कर पाया। जो और टेस्ट हैं, 1000 टेस्ट हैं भाई इसमें, आयुर्वेद तो कहता है 6 टेस्ट हैं। अब अमरूद का टेस्ट निकाल लो, अमरूद की तरह कोई और है फल में? कोई नहीं। दुनिया में कोई टेस्ट निकाल लो अमरूद की तरह सिमिलर, केले की तरह टेस्ट निकाल लो, लेकिन जो मैन मेड है उसका तो निकाल भी लोगे, इधर उधर कोई कंपेयर कर भी लोगे, पर नेचुरल जो प्रकृति की देन है उसका टेस्ट निकालो ना, आप नहीं निकाल सकते। आप अगर उसका टेस्ट लेने लगे, उसका नेचुरल टेस्ट लेने लगे, तो सारी की सारी जितने ग्लैंड है सब एक्टिव हो जाएंगे, करके देख लो। हाँ, मेरा 2 सेंस इसमें ये रहेगा कि मतलब थैंक्स टू गुरु जी, आई थिंक मैं काफी ये सब एक्सपीरियंस कर पाया हूँ और बहुत अमेजिंग है। एंड मैं ये कहूंगा कि हाँ, जैसे आप कह रहे हो, क्योंकि मुझे 2 साल हो गए, तो हाँ, दो साल हो आई गए। थिंक जैसे हम कह रहे हैं कि वही पैटर्न फिर से आता है, वो मैं एग्री करता हूँ कि वो वैसा नहीं होगा। हाँ, और एक आप और चीज़, अगर मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर मैं राजेश जी की मदर की बात करूँ, वो 80+ हैं, 80+ हैं शायद, और 38 सालों से वो मेडिसिन पे थी, सोने की बाउल मूवमेंट की मेडिसिन, क्या क्या नहीं चल रहा था, सारी की सारी 80 साल का पैटर्न उन्होंने ख़त्म कर दिया, सारा का मैं सारा। ये कहूंगा कि ये सॉरी सॉरी हाँ, आपको बोले इंटरप्ट नहीं बोले, करना प्लीज चाहिए। प्लीज प्लीज बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके 2 तरह के मेडिसिन्स थे, जो मैं कहूंगा 25 साल से ज्यादा हाँ का हाँ पैटर्न था उसमें, स्लीप एंड डाइजेशन। आपके पास तो आपने कहा कि ये 6 to 8 वीक्स में चेंज हो जाएगा, तो जो पैटर्न ब्रेक करने का एक तरह से मैं कहूंगा आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है, कि हाँ मतलब उनका 4 to 5 वीक्स में चेंज हो गया, मतलब जीरो हो गया। जैसे अगर दिन में वो 4 एंटीएसिड्स खा रही थी तो 0 एंटीएसिड्स खाने लगी एट द एज ऑफ 80, मतलब शी वॉज ऑलरेडी हाँ 80 जब उन्होंने स्टार्ट किया। तो इससे पावरफुल एग्जाम्पल शायद मुश्किल है हाँ बताना, मुश्किल है, मतलब मुश्किल है। बिकॉज क्यों? ये फिजिकल क्योंकि मैनिफेस्ट।
अगर आप देखें तो यहाँ पर मान लो बिलो 50 में है सब। अब कुछ जो बलविंदर है मान लो 30s में है, 30 के बिलो है। अगर आप सोचो कि हम इस एज में अगर पैटर्न को समझ जाएं और पैटर्न को ब्रेक कर दें तो हमारी नेक्स्ट लाइफ कितनी चलेगी अच्छी। वो 80 में वो कहती हैं लाइफ को अब मैं एंजॉय कर रही हूँ। आप सोचो कि लाइफ को अब मैं एंजॉय कर रही हूँ, अभी तक किया ही नहीं था। तो पैटर्न को ब्रेक करने पर आप कितने सेटिस्फैक्शन, इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लेवल पर चले जाते हो, क्योंकि आप वहाँ पर बहुत एक्सेसिव थॉट के जोन पर नहीं जा सकते, चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली आप ही कन्फ्लिक्ट जोन पे होते हो। आप ही थॉट जनरेट कर रहे होते हो, आप ही क्वेश्चन कर रहे होते हो, आप ही आंसर कर रहे होते हो, आप ही सब कुछ होते हो। जैसे मैं अकेले बैठूं और आप यहाँ पे 10 लोग हैं, 20 लोग, और मैं आंख बंद करके आप सब लोगों से बात करूं, तो मैं अपने अंदर बर्डन पाल रहा हूँ। अब मैं इस समय प्रत्यक्ष हूँ आपके सामने, तो आप लोग मेरे ऊपर बर्डन नहीं, क्योंकि मैं आपको बना नहीं रहा हूँ माइंड में। मैं आपको न बना रहा हूँ, न मैं कोई क्वेश्चन प्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके थ्रू अपने अंदर, क्योंकि मैं ही कर रहा हूँ। तो टेक्निकली देखो तो मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर आंख बंद करके मैं आप 20 लोगों के साथ मैं कन्वर्सेशन करूँ, तो इसका मतलब कि मैं 20 लोगों की इमेज बिल्डअप करूँ, 20 लोगों से क्वेश्चन कराऊँ जबकि मैं ही कर रहा हूँ, और 20 लोगों को आंसर दूं, और फिर उसमें क्वेश्चन आंसर होता रहे, तो मैं अपने ब्रेन को कितना थका रहा हूं और ब्रेन में कितनी सोचने की एडिक्शन बना रहा हूं, सोचने की कितनी एडिक्शन पलवा रहा हूं। एक्चुअल में मुझे आपसे डायरेक्टली इन्वॉल्व होने में ज़्यादा बेटरमेंट है, क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, आप लोग डायरेक्ट हैं, मुझे केवल एक्सपीरियंस को शो करना पड़ रहा है और आपके क्वेश्चन का जवाब देना पड़ रहा है। अभी तो आप टेंशन में आते हो, अगर डायरेक्टली आपके आमने सामने हो तो उतना टेंशन नहीं होगा, लेकिन लड़ने वाला आदमी, एंजाइटी देने वाला आदमी चला गया, तो फिर आपके अंदर जो बम्बार्डमेंट होती है वो आप ही क्वेश्चन कर रहे होते हो, आप ही आंसर दे रहे होते हो, और इसी क्वेश्चन आंसर में आप पूरा 24 घंटा निकाल देते हो।